आपको फिश की राइम, ये राइम तो कैसे आपको आती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। पर यहाँ पे आपको नोटबुक में आप हिंदी की तो राइम आप नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने आपका एक इंग्लिश का राइम आपको लिखा है। तो आपको अगर कोई और राइम भी आती है तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 वंस आई कॉट अ फिश अलाइव, ठीक है, एक बार मैंने क्या पकड़ा, एक फिश को जिंदा पकड़ लिया। 6 7 8 6 7 8 9 10 देन आई लेट इट गो अगेन, फिर मैंने दोबारा से उसको वहीं छोड़ दिया। व्हाई डिड यू लेट इट गो, क्यों छोड़ा हमने, बिकॉज इट बिट माय फिंगर्स, इसने मेरे फिंगर्स को काट दिया। व्हिच फिंगर डिड बाय, कौन सी फिंगर काटी, दिस लिटिल फिंगर ऑन द राइट, तो इसने मेरी राइट साइड की लिटिल फिंगर को क्या कर दिया, कट कर दिया। अब नेक्स्ट है आपका हेयर आसम ड्राॅइंग समीर बाय चिल्ड्रन, यहाँ पे देखो कुछ चिल्ड्रन की यहाँ पे ड्राइंग आपकी ड्रॉ है। ये आपकी माया क्लास 4, ये आपका नव्याता क्लास 1 का, आप देखो कितना ब्यूटीफुल आपका यहाँ पे फिश। नाउ नेक्स्ट वन, सो व्हेन यू थिंक्स ऑफ फिशेस व्हाट शेप्स केम इन आवर माइंड, जब आप फिश ड्रॉ करते हो, आपने कब फिश देखी है, तो आपको कौन कौन से शेप्स आपको फिश में दिखते हैं। तो यहाँ मैंने देखो एक फिश आपका ड्रॉ किया है, इसमें देखो कौन सा आपका शेप आपको दिख रहा है, कितने सारे देखो। फर्स्ट आपको यहाँ देखो ओवल शेप आपको दिख रहा है, ये आपका डायमंड है, ये आपका क्या 4-sided figure means quadrilateral, ये आपका क्या है ट्रायंगल। तो डायमंड, ट्रायंगल, ओवल एंड क्वाड्रिलेटरल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश, तो आपको फिश ड्रॉ करनी है, बस कंडीशन ये है आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल की हेल्प से आपको ड्रॉ करनी है। तो यहाँ देखिए ये हमने फिश ड्रॉ करी है, ये आपको ये जो है वो आपका किसकी हेल्प से है, स्क्वायर की हेल्प से है और रेक्टेंगल की हेल्प से हमने एक फिश यहाँ पे ड्रॉ करी है, ठीक है।